प्रश्न की रसोई में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आज मैं बनाने जा रही हूँ सुपर फूड दलिया। सुपर फूड क्यों कह रही हूँ मैं इसको, क्योंकि ये ऐसा फूड है जो कि होल ग्रेन वीट है, हमारे शरीर के अंदर जाता है तो हमारे को इसके फाइबर के फायदे मिलते हैं, प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट्स के, सब चीज के फायदे मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसको बनाने के बाद हम इसको उबॉइल कर लेंगे जब, तो इसमें एक बूंद भी तेल नहीं लगेगा, यानी कि बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है ये दलिया। और उसके बाद जब हम इसको बॉइल कर लेंगे तो इसको हम अपने घर के हिसाब से मीठा भी बना सकते हैं और नमकीन भी बना सकते हैं, यानी कि एक पंथ दो काज। अगर आपकी फैमिली बड़ी है, बच्चों को मीठा चाहिए तो आप बच्चों को मीठा दे दीजिए उसी में से दूध घोलकर, और अगर आपको खुद को खाना है नमकीन चाहिए तो आप उसमें टमाटर अदरक प्याज डालकर उसका नमकीन भी बना सकते हैं। तो बहुत इजी है, सुपर फूड है। चलो बनाना शुरू करते हैं। मैंने कुकर को गर्म कर लिया है और इसमें रोस्ट करेंगे इस दलिये को। वैसे तो कोशिश ये करिए कि आप सारे दलिये को रोस्ट करके ही रख लीजिए, क्योंकि बनाने में आसान रहता है। मैंने भी रोस्ट करके रख रखा है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं इसको फिर से रोस्ट कर रही हूँ। ये देखिए, इसको इस तरह सूखा ही भूनना है बिना कोई घी तेल डाले। ये इसका रंग चेंज हो जाएगा और ये सारे दाने व्हाइट व्हाइट से हो जाएंगे। ये देखिए, इसका रंग चेंज हो गया, एकदम सफेद सफेद से दाने हो गए हैं ना। हमने आधी कटोरी दलिया लिया था तो यानी कि इसे पांच गुना पानी डालना है, यानी ढाई कटोरी, वही कटोरी भर के हम इसमें पानी डाल देंगे। एक पांच गुना पानी, कम से कम पांच गुना पानी इसमें लगता है, छह गुना भी लग सकता है, ये फर्क पड़ता है कि आपका दलिया कैसा है। ये मैंने इसमें ढाई तीन कटोरी पानी डाल दिया। बस अब इसमें दो सीटी मारेंगे हम कुकर में और ये दलिया बन जाएगा। दलिये में दो सीटी आ गई है और दलिये की गैस मैंने बंद कर दी है। थोड़ा सा दूध, मैंने आधा गिलास दूध उबाल लिया है और इसमें मैं डाल दूंगी स्वाद अनुसार चीनी, ये मीठा दलिया बनाने के लिए। और नमकीन दलिया अगर हमें बनाना है तो हम पैन रखेंगे, उसमें जरा सा सा घी या तेल डालेंगे, उसमें जरा सा सा जीरा डालेंगे, ये अदरक है, कच्ची हल्दी है, हरी मिर्च, टमाटर, उनको अच्छे से भून लेंगे। मेरे पास उबले हुए आलू रखे थे रात को। ये चीजों का इंतजाम अगर हो आपके पास तो सुबह नाश्ता बनाना आसान हो जाता है। और मैं तो आपको सिखा ही रही हूँ, एक दलिया बनाकर आप कितने लोगों को खिला सकते हैं, नमकीन भी बनाए, उसको मीठा भी बनाए। तो इसमें मैंने उबले हुए दो आलू काट के डाल दिए। बस अब जैसे ही दलिया निकलेगा हम इसको आधा तो दूध में डाल देंगे और आधा इसमें डाल देंगे। है ना टेस्टी? आपके शरीर को जितनी भी कार्बोहाइड्रेट वो चाहिए, जितनी भी न्यूट्रिशन चाहिए आपको, पूरी न्यूट्रिशन मिलेगी। सबसे बड़ी बात, आपका पेट भरा रहेगा और मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो पेट वजन भी नहीं बढ़ेगा आपका। और ये दलिया इतना ज्यादा हेल्दी होता है कि इसके इसको खाने के बाद आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं। सारी सब्जियां जा रही हैं, आप इसमें कोई भी सब्जी भी डाल सकते हैं। और अगर आपका मीठा टूथ हो, मेरी तरह स्वीट टूथ हो, तो आप मीठा दलिया भी थोड़ा सा खा सकते हैं। दोनों तो बनी रहे, थोड़ा थोड़ा दोनों खा लेना। बस अब ये दलिया उबल कर बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखिए इस तरह का दलिया बनेगा ये। मैं थोड़ा सा दलिया तो डाल दूंगी इस दूध में ताकि ये मीठा दलिया बन जाए, और थोड़ा सा दलिया मैं डाल दूंगी इस सब्जी में। इसमें डालने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे हम। अब हम इसमें डालेंगे एक चुटकी गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक, और इसकी कंसिस्टेंसी आपको ऐसी रखनी है। ये देखिए ऐसी, बेहद टेस्टी, बेहद शानदार। वर्षा की रसोई में बार बार आइए, हर बार आइए। मेरा चैनल अगर अच्छा लग रहा हो, मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अच्छे प्यारे कमेंट देते रहिए, शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए। ये देखिए, ये बन रहा है मेरा मीठा दलिया। अभी मैं आपको दोनों खाकर भी दिखाती हूँ। ये देखिए, मीठा दलिया आपका तैयार है। इसको मिट्टी के बर्तन, ये देखिए दोनों तरह के दलिया तैयार है। मजे उड़ाइए और इसको त्योहार की तरह खाइए, क्योंकि ये स्वीट डिश हो गई और ये नमकीन बेहद टेस्टी बनेगा। इसको मिट्टी के सकोरों में खाएंगे तो आपको मिट्टी की खुशबू भी आएगी और मिट्टी के फायदे और मिनरल्स भी मिलेंगे। जल्दी मिलते हैं वर्षा की रसोई में।